नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, महीनों पहले कर्ज माफी की घोषणा करने के बाद भी महाराष्ट्र का किसान आज भी कर्जदार बना हुआ है, क्योंकि कर्ज माफी की घोषणा से आज तक उसके अकाउंट में एक पैसा जमा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये घोषणा की थी कि दिवाली के पहले सभी किसानों के खातों में कर्ज का पैसा चला जाएगा, लेकिन उनकी घोषणा मात्र जुमला बन के रह गई, क्योंकि किसानों के खातों में सरकार एक पैसा भी जमा नहीं कर पाई। इसी बीच कर्ज माफी से लेकर आज तक महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के इलाके में 179 किसानों ने आत्महत्या की। शायद महाराष्ट्र का किसान सरकार के ऊपर विश्वास खो चुका है। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इतने कमजोर है कि उनके बार बार कहने पे भी उनके अधिकारी नहीं सुनते? हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने बैंक के कई अधिकारियों की मीटिंग ली और उसमें बार बार जोर देके कहा कि जो पैसा मैंने आपके पास ट्रांसफर किया है वो किसानों के अकाउंट में जाना चाहिए। इसके बावजूद एक पैसा किसी किसान के अकाउंट में नहीं गया। खबर के पीछे की खबर यह है, राज्य सरकार में आईटी डिपार्टमेंट और सहकारिता डिपार्टमेंट में कोई समन्वय नहीं है। लगातार दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि गलती उसकी है। बैंकों के पास किसानों द्वारा किए गए टोटल एप्लीकेशन 67 लाख है। आईटी डिपार्टमेंट और सहकारिता डिपार्टमेंट इसी फिगर को 72.22 लाख बताती है। ये जो 10 लाख का गैप है, ये किस वजह से है ये कोई बता नहीं पा रहा है। जो एप्लीकेशन आए उनमें इतनी गलतियां हैं कि कई किसानों के एप्लीकेशन रद्द किए गए। जिन किसानों के आवेदन रद्द किए वो कहां जाएंगे, क्योंकि आवेदन का फॉर्म इतना जटिल है कि एक अनपढ़ किसान उसे पूरा भर भी नहीं सकता। चुनाव के समय किए गए वादे चुनावी जुमले हो जाते हैं, लेकिन क्या सरकार में बैठे हुए मंत्री जब कोई वादे करते या घोषणा करते हैं तो क्या वो भी जुमले बन जाते हैं? ये बहुत बड़ा संकट आज राज्य सरकार के सामने है और किसानों के सामने है। यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।